जब मैं छोटी थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े होकर ऐसी हरकतें करूंगी। अम्मी ने बात करना छोड़ दी है, अब्बा नजरें नहीं मिलाते और भाई कहता है लड़कियां थोड़ी कमरा गंदा रखती हैं। गहरी सांस लीजिए, ये सेफ जगह है, यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा। अरे बेटा, तुम मुझसे तो लाख दर्जे बेहतर हो। घर की गंदगी चार दीवारी के अंदर तो छुपाई जा सकती है, पर मैं तो घर का कचरा चुन चुन कर पड़ोसी के गेट के आगे फेंक देता हूँ। ये हरकत किसी से सीखी है या फैमिली में है? अम्मी, वो तो बिल्डिंग की आठवीं मंजिल से कचरे की थैली बिना सोचे समझे उठाकर नीचे फेंक दिया करती थी। चाय की पत्ती, केले के छिलके, पोछे का पानी और डायपर। पहला स्टेप होता है एतराफ करना कि असल मसला आप में है, कचरा ये नहीं, कचरा तो आप है। हम अपने नए दोस्तों को वेलकम करते हैं। मैं काम शहरी हूँ, मेरी आदत गाड़ी से बाहर कचरा फेंकने की है। मैं भी काम शहरी हूँ, बाइक चलाते चलाते कभी चिंगम का रैपर या सुपारी फेंक देता हूँ। हमारे घर के डस्टबिन तो खाली हो सकते हैं, मगर हमारा माजी इन्हीं तरह की गलतियों से भरा हुआ है। बॉस आप बताओ, ये एक दो इंची की पैकेट से क्या कमाई आ जाएगी? कचरा गाड़ी से बाहर नहीं फेंकेंगे तो क्या करेंगे? अब ये मत कहिएगा कि मैं कचरा अपने बैग में रख लूं। ये एक तरीका है। इस तरह तो छोटा छोटा कचरा जमा होके हम पे बोझ बन जाएगा। अच्छा, आज इस गंदी आदत से आजादी नहीं पाएंगे तो मुस्तकबिल Let's do an exercise. कदम बढ़ाएं, aim, shoot. ये एक सेफ स्पेस है, यहां आपको कोई जज नहीं करेगा। आपकी बुरी आदत, हर पान का सजाई हूं, हर शहर को पीकर सजाने का शौक है। ये मुल्क हमारा घर है, कोई डस्टबिन नहीं। इस 14 अगस्त ये अहद करें कि अपनी गाड़ी से बाहर कचरा फेंकने की इस बुरी आदत से आज़ादी हासिल करेंगे। इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और इस मैसेज को शेयर करें। हमारी टीम तीली और टोटल पार्को की तरफ से आपको जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।